हाय एवरीवन, अमराज फ्रॉम दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब वीडियो। और ये वीडियो होने वाला है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है? तो इस वीडियो को ना बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि नॉर्मल वीडियो की तरह मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एंगेज होकर मेरे साथ कनेक्टेड रहो, समझो कि दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि दुनिया में बातें होती है हजार, लेकिन समझने वाली बातें होती है वो कुछ, और कुछ बातें वो कुछ ही लोग बता सकते हैं जो कुछ टॉप पे पहुंचे हुए हैं। तो मैं एज अ फ्रेंड आपको ये बातें बताने के लिए आ गया। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई, या फिर जब भी कोई पर्सन बिजनेस के अंदर आता है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, तो उसके अंदर आते ही ना वो सोचता है कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठा रहता है। क्या आपके अंदर भी वो डर है? आई होप सो। मुझे लगता है जो ये वीडियो देख रहे हैं आपके अंदर डर है, तभी आप इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो। आज वो डर खत्म कर देंगे, एंड उस डर को हम एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देंगे। बिकॉज यू नो, क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ही हमारा डर होते हैं कि सामने वाला हमसे कुछ पूछ ना ले, सामने वाला हमसे कुछ ऐसा ना पूछ ले और हम बिल्कुल साइलेंट हो जाएं। या फिर हम किसी अपने डाउनलाइन की क्लोजिंग कर रहे हो प्रोस्पेक्ट को कॉन्फ्रेंस पे लेके, और डाउनलाइन ने बोल दिया, अरे तुम क्या बताते हो काम, या फिर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन मान लिया या डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो आप बोलो मेरी डाउनलाइन के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, है ना? ये थॉट आते होंगे। तो क्यों ना आज इसके ऊपर काम करते हैं, क्यों ना अपने आप को इतना बुलेट प्रूफ बना लेते हैं कि कोई कुछ बोल ही ना पाए, क्यों ना एक ऐसा कम्युनिकेटर बन जाते हैं जिस तरीके से एंड्रयू टेट अपनी वीडियोस में बात करता है कि यार यू हैव टू बी द किंग कम्युनिकेटर, ठीक है? आपसे प्यारी बातें और आपसे स्ट्रेंथ वाली बातें कोई नहीं करना चाहिए आपके सर्कल में, ये आपका गोल होना चाहिए, ठीक है? तो फटाफट से शुरू करते हैं पहली ऑब्जेक्शन के साथ, जो कि ऑब्जेक्शन है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड बट मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? तो सबसे पहले ना, मैं फिर से बोलता हूँ, आपको सवाल पूछने चाहिए। कितनी एज है आपकी, कहाँ से बिलोंग करते हो, पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती हैं, फ्रेंडली होके बात करनी है, पूछो। और कभी भी ना सर और मैम ये सब मत बोला करो, लाइक जस्ट बी ब्रो यार। अच्छा ब्रो एक बात बताओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अच्छा ब्रो ये बताओ, तुमने इससे पहले क्या किया? सर हाँ जी हैं जी। ब्रो आई नो यू वॉन्ट टू रिस्पेक्ट पीपल, दैट्स ग्रेट, बट यू नो लोग मॉडर्न हो चुके हैं, लोगों को ना मॉडर्न चीजें ही पसंद है, ठीक है? और सिंपल बनाओ, ठीक है? आप करके बात करो, तू करके मुझे नहीं पता यू विल टॉक और नॉट, बट अगर मेरे बहुत खास दोस्त है मैं तू करके भी बात कर लेता हूँ कभी कभी, बट वेन यू आर रिस्पेक्टिंग दैट्स द ग्रेट थिंग, उससे सामने वाला सब उगल देगा, ठीक है? पूछो क्या करते हैं, लिख लो अगर लिख सकते हो तो, या फिर माइंड में रखो, माइंड शार्प रखो। 19 साल की एज है, 12th कंप्लीट करी है, कॉलेज के लिए पैसा दे रहा है, तो सबसे पहले तो बोलो पैसा नहीं है। उससे पूछो, भाई आप फोन चला रहे हो, कौन सा फोन है आपके पास? तुरंत अपने फोन में हाथ में फोन लो, जल्दी से गूगल करो, अच्छा वीवो का ये वाला फोन है, अच्छा ठीक है ओके, तो वो चला रहे हो आप, ओके कितना टाइम हो गया? 6 महीने। तो कुछ पैसे वैसे कमाए उससे? नहीं पैसे। 99% लोग बोलेंगे पैसा नहीं कमाया। तो उससे बोलना, पता है इंडिया की प्रॉब्लम यही है यार, पता है लोग है ना 30,000 का फोन चला लेते हैं, 30,000 का आता है ना आपका फोन, लेकिन ना अपने बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए उनके पास 5,000, 10,000, 15,000 रुपए नहीं होते, एंड यू नो दिस इज द प्रॉब्लम। और फिर आप ये बोल सकते हो, भाई पैसा नहीं है ना, राइट? भाई पैसा नहीं है तभी तो बिजनेस स्टार्ट करना है, तभी तो 2CC करनी है, अगर पैसा होता तो तुम मेरे पास क्यों आते? तुम अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते, सेटल कर रहे होते, दूसरी कंट्रीज में घूम रहे होते, स्विट्जरलैंड का टिकट कटा होता, दुबई में चिल मार रहे होते, व्हाई आर यू हियर? बिकॉज पैसा नहीं है। एंड यू नो, जब पैसा नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है कि पैसा अचानक से आ जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला, पैसा आएगा और उससे ज्यादा खर्चा होगा। एंड इवन अगर तुम 30,000 रुपए बैंक में रख देते हो 40 सालों के लिए, तब जाके वो पैसा 60,000 रुपए का कैलकुलेशन बता दो और सामने वाले को बोलो, भाई पैसा अरेंज ही करना पड़ता है। अब ये मत बोलना लोन एप्लीकेशन में घुस जाओ और फ्रॉड लोन से एप्लीकेशन से लोन ले ले, बाद में दिक्कत हो जाएगी। उसको बोलो मम्मी पापा फ्रेंड, उनसे हेल्प मांग सकते हो, कभी मैं डेप्थ में वीडियो बनाऊंगा तो और बातें बताऊंगा, ठीक है? हेल्प मांगो, या फिर कहीं ना कहीं से तुम्हें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मम्मी पापा या फिर तुम्हारी जॉब, या तो 2 महीने जॉब करो। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, भाई पैसे नहीं है, सब समझा दिया गया था सर, फिर भी नहीं हो सकता, मैं जॉब कर ले, जॉब करो बेस्ट है, 2 महीने जॉब कर लोगे, पैसे इकट्ठा कर लोगे, क्या बुराई है? तो पहला ऑब्जेक्शन का आंसर है ये, पैसा नहीं है, ठीक है? और जरूरी नहीं है हर किसी के साथ काम करना यार, अगर नहीं है समझाओ, अच्छे से समझाओ। बट फिर भी अगर बोलता है मैं रो रहा हूँ, ठीक है, उसको बोलो ठीक है दैट्स ओके, चला 30,000 का फोन, ठीक है? इट इज लाइक कि वो 30,000 का फोन चला रहा है, तुम्हें मना कर रहा है, मतलब कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो पहले किसी के एक्स, मतलब किसी और की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, उसके लिए उसने सब किया, गिफ्ट लाए, बाहर घुमाने गई, ठीक है, क्या बोलते हैं, हर वो चीज, मूवी देखने गए, पेरेंट्स से बात करी, ठीक है, हर चीज करी, ठीक है? जो एक रिलेशनशिप में बंदा चाहता है कि मेरे लिए गिफ्ट्स आए, मुझे सरप्राइज किया जाए, मुझसे लॉयल रहे, सब किया, ठीक है? और वो लड़का इतना खास भी नहीं था, और आप जब आते हो रिलेशन में उसी लड़की के साथ, वो लड़का उसको छोड़ गया, उस लड़की के साथ रिलेशन में आते हो, तो वो लड़का, मतलब आप जो हो, बेटर लड़के हो, हर चीज में बेटर, लॉयल, स्मार्ट, रिच, बट वो लड़की आपके लिए कुछ नहीं करती है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा? बोलोगे नहीं भाई, तूने उसके लिए तो सब कर दिया जो डिजर्व भी नहीं करता था, मेरे लिए कुछ नहीं किया। सिमिलरली तूने 30,000 तो फोन पे लगा दिए, तो भाई मेरे लिए 30,000 रुपए भी नहीं है। तो भाई आप उसको समझाओ कि भाई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई मजाक थोड़ी ना है। एंड जब आप उसको समझाओगे ना, तब आपको अपनी वैल्यू, क्योंकि अपनी वैल्यू करना जरूरी है, वरना भाई ना रिलेशनशिप में ना काम के अंदर कोई आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा, उनको लगेगा ये तो हल्का सा है, इस पर क्या पैसे लगाने। समझ रहे हो मेरी बात को? आई नो आई माइट साउंड रूड, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, ओके? सेकंड ऑब्जेक्शन, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। भाई सिंपल सी बात है, मैं एक आंसर देता हूँ, भाई डिपेंड करता है। फिर वो बोलता है, मतलब क्या डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि आपको कितनी अर्निंग करनी।
तो जरा आप मुझे बताओगे आप कितनी अर्निंग करना चाहते हो? बोलता है मेरे को 15-20 हज़ार रुपये करने पड़ेंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत तो लगेगी। उसको बोलो मेरे पास दोनों प्लान है, एक बिना इन्वेस्टमेंट का भी है, उसमें बहुत टाइम लगेगा और हार्डवर्क है, और एक प्लान है जिसके अंदर भाई पैसा लगने वाला है लेकिन वो हार्ड इतना नहीं है, वो स्मूथ तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको पता है क्या बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं ये बात बोलता हूँ भाई कि मेरे पास दोनों चीजें, मेरे पास दोनों अवेलेबल है, एक बिना पैसे का भी और पैसे वाला, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर लेना, तुम पहले वेबिनार देखो, तुम वीडियो देखो, सिंपल सी बात है। और फैक्ट तो ये है ना कि भाई पैसा तो लगना है, एक्सपेंस तो है, खर्चा तो होना है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कह लो, खर्चा कह लो। आप एग्जाम्पल ये दे सकते हो कि मान लो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, पढ़ाई तो दोनों में होती है, सरकारी स्कूल में आपको पता है कैसी पढ़ाई होती है और प्राइवेट में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाता है, तो सिमिलरली हमारे पास इन्वेस्टमेंट का भी दो वे हैं। ठीक है, एक बिना इन्वेस्टमेंट के भी हो जाता है सरकारी स्कूल और एक होता है इन्वेस्टमेंट के साथ वाला, तो वी हैव टू सी व्हाट इज गुड फॉर यू। थर्ड ऑब्जेक्शन आता है पापा से पूछ के बताऊंगा, है ना, पापा से पूछ के बताऊंगा। जब स्मोकिंग कर रहे थे, जब ड्रिंकिंग कर रहे थे, जब गर्लफ्रेंड बना रहे थे, जब होटल बुक कर रहे थे, जब अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट करने गए थे, तब पापा से पूछा, तब मम्मी से पूछा, कुछ काम तुमने ऐसे भी किए होंगे ना जो मम्मी पापा से पूछे भी ना किए होंगे, और आप कर चुके हो और कई बार कर चुके हो, कई लोगों के साथ कर चुके हो, तो आई थिंक आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लोग शरीफ बनते हैं ना, पापा से पूछना पड़ेगा। एक्चुअली गलत कामों के लिए कभी अपने पापा से नहीं पूछेंगे, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए स्मोकिंग अच्छी नहीं होती, बट स्टिल पापा से नहीं पूछेंगे, खुद कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि असल बात यह है कि 18 साल की एज में अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। अगर वो कुछ गलत काम भी करेंगे तो पुलिस उनको पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि वो बालिग है भाई, 18 प्लस है, राइट, गवर्नमेंट ने आईडी बनाई हुई है। बट ये पापा से पूछने का एक बहाना होता है, तो उनको ये बात बताओ कि भाई गर्लफ्रेंड बनाई थी, पूछ के पापा से, ये चीजें पूछने वाली होती हैं, या स्मोकिंग करना पूछने वाली होती है, ये इतना मैच्योर डिसीजन होता है जो आप खुद ले सकते हो। ठीक है, फिर भी कुछ बोलेंगे लोग, अरे नहीं मतलब पापा से तो पूछना पड़ेगा। भाई मैं तो बोलता हूं ब्लंटली जाओ, पापा से बात कर लो, हां जी अंकल कैसे हैं, नमस्ते, हां जी हां जी बताइए, और वो बोलने दो। कभी भी पैनिक रिएक्ट करना ही नहीं, किसी पे भी रिएक्शन नहीं करना, सामने वाले को समझो ना कि सिंपैथी के साथ समझो कि सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है, ये काम नहीं करना, वो नहीं करना। सर एक बात बताइए, हमारी कंपनी है उसमें कोई पर्सन आता है, पहली बात हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि यार अगर कोई बंदा नहीं काम कर सकता तो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर रिफंड हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो आपने ये चीज बता दी। दूसरी चीज, मैं आपको पर्सनल इंश्योरेंस दे रहा हूँ कि बंदा काम करता है तो भाई उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग तो हम करवा ही देंगे, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे ना, अगर आप सिंपैथी एम्पैथी दिखाएंगे तो पक्का है कि वो आपकी बात समझेंगे, क्योंकि वो भी एक फादर है यार। अगर किसी का पिता या किसी की मम्मी बात कर रही है तो सोचो वो क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना किसी गलत रास्ते पे ना जाए। और अगर आप जेन्युइन हो, दिल पे हाथ रख के अगर आप जेन्युइन हो, अच्छी कंपनी का पार्ट हो, तो भाई आपके अंदर से ना कभी भी डर नहीं आएगा, आप जेन्युइनली अपने आप को शो कर पाओगे, जैसे मैं भी ये बातें बोल पा रहा हूँ, राइट। तो इसका ध्यान रखना है, और पापा से पूछने वाला बहाना ना बहुत पुराना हो चुका है। आप कर सकते हो यार, आप चीजें कर सकते हो, बिकॉज यू आर यंग, यू कैन टेक एक्शन। अभी एक्शन लोगे तभी तो फ्यूचर डिसाइड होगा ना। अब चौथी ऑब्जेक्शन आती है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, ये फॉरएवर तो नहीं है, फिर कोई भी कंपनी आप जो सोच सकते हो। पहली बात ना ये समझो कि जब कोई आपसे बोल रहा है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है या ये कौन सी कंपनी है, तो पहली बात आप समझो कि वो पर्सन उसके बारे में जानता है। अगर बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है या फिर फॉरएवर तो नहीं है या फिर क्या बोलते हैं ये कंपनी कौन सी है, अगर ये सवाल आ रहे हैं तो समझो उसने पहले चोट खाई हुई है, वो दिल टूटा है, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ बुरा हुआ था, इस वजह से ना उस चीज को वो ऐसे पूछ रहा है। तो आपका काम क्या है, आपको उसको ऐसे ब्रदर या फिर फ्रेंड समझाना पड़ेगा, भाई देख तू पूरा बिजनेस समझ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ तेरे से पुराने टाइम में ना बहुत चीजें हुई होंगी, ठीक है, बट मैं तेरे साथ हूँ, एज अ ब्रदर तेरे साथ हूँ, एज अ फ्रेंड तेरे साथ, ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप करो, अगर आपको लगता है मेरे को नहीं करना मुझे सिंपली नो बोल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ काम यह है कि मैं आपको काम समझाऊं, समझो अच्छे से, दिल से समझो, आई विल बी विद यू, ठीक है। और कभी भी कोई ऐसा बोल रहा होता है ना, तो उससे अगर आप पूछोगे तो फिर वो बताएगा। मैं क्या करता हूँ, बोलता है भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, मैं बोलता हूँ अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल वही है, क्या जानते हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मैंने वो कंपनी करी थी यार, अच्छा कौन सी कंपनी थी, हाँ वो कंपनी थी, अच्छा क्या हुआ था, इतने पैसे लगा दिए थे, कुछ हुआ नहीं था मेरा, ओहो हो अच्छा ऐसा हो गया। तो जब भी कोई बोल रहा है उससे उल्टा सवाल पूछो, नेटवर्क मार्केटिंग, भाई बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ लोग पता है सोचते हैं ना, सामने वाला बोलता है भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कौन सी कंपनी है, बोलता है अरे नहीं नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है यार, ये कुछ और है भाई, डिजिटल है, डिजिटल, यू नो, कब तक हाइड करो, बी सिंपल, यस इट इज नेटवर्क मार्केटिंग, आप क्या जानते हो, बोलता भाई मेरे को करनी नहीं है, भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ठीक है, आपको ओपिनियन बिल्कुल सही है, आपको नहीं करनी, कोई नहीं, नहीं करवा, लेकिन आप जरा बताओगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग बारे में कैसे जानते हो, तो दे विल स्पीक अबाउट इट, उनको खुलवाओ, उनको इतना दिल से बोलो कि भाई देख मैं तेरे इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, मैं बेस्ट कंपनी के अंदर हूँ, मेरे मेंटर्स ही हैं, तू मुझसे बात कर ले, ठीक है, समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, करना होगा ठीक है, नहीं करना होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यू अंडरस्टैंड। अगर बोलता है भाई तुम्हारी कंपनी कौन सी है पहली कॉल पे, तो समझ जाओ भाई कि उसने कंपनी देख रखी है, उसके पास और भी प्लान्स आए हुए हैं। हाउ यू कैन स्टैंड आउट इज यू हैव टू टेल देम। तो कंक्लूजन यही है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, तो पहली बात बोलो यस है, दूसरी चीज बोले कंपनी कौन सी है तो बताओ भाई कंपनी, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कंपनी है, आप कैसे जानते हो कंपनी के बारे में, क्यों पूछ रहे हो, आपने किसी कंपनी में काम किया है या आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, सिंपल सा थॉट है। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत यूनिवर्सल है, इसमें घबराना नहीं है, जस्ट बी ब्लंट, क्योंकि बाद में तो उसको पता चलना ही है, तो अभी बता दो ना, और
क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछते रहो, उसको इतना प्यार दिखा दो, उसको इतना दिल से सपोर्ट कर दो, इतना पॉजिटिव अपना ऑरा दिखा दो कि वो बंदा बोले यार क्या बंदा है तू यार, मतलब तेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कर्म करो फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं, मैं कभी भी किसी प्रोस्पेक्ट से बात करता हूँ ना, मैं नहीं करता कि अच्छा उसको नेटवर्क मांगने बारे में पता है अब तो ये नहीं करेगा या फिर नेगेटिव है। हु केयर्स अबाउट द रिजल्ट ब्रो, आना है वो तो, तू काम करेगा तो तू आएगा, खाना खाएगा तो भूख तो खत्म होनी है। तो सिंपली सी पूछा उससे, भाई ऐसा है ये है, देख मैं तो तेरे को अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, मैं तो ऐसे ही बताऊंगा, या इतनी सिंपैथी दिखा दो। आई कैन अंडरस्टैंड भाई कैसा फील होता है, यू नो दिस इज अ वेरी मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को होती है गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, और होता है कई बार गलत कंपनी और गलत लीडर के साथ भी कनेक्शन हो जाता है। तो सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो मैं तेरे को ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलने वाला, प्लीज यू जस्ट टेक इन्फॉर्मेशन, एंड तुझे जब दिल से अच्छा लगे ना तू मेरे साथ कनेक्टेड रहे बस, ठीक है? दिल से अच्छा लगे तब मेरे साथ काम में आ जाओ, ठीक है? चले तब तक हम फ्रेंड्स रहते हैं, दोस्त बन के, पक्का परफेक्ट। और भाई नॉलेज रखना अपने साथ, कोई यारे गहरे से दोस्ती नहीं करेगा कोई, ठीक है? मुझे दोस्त बनाने का वैसे शौक नहीं है, मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बट यार बिहेवियर तो अच्छा रख सकते हो ना, तुम्हारे थोड़ा से प्यार से वो सामने वाला कितना खुश हो सकता है, इमेजिन करो, थोड़ी केयर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी इंसान को ना यार वो काइंडनेस, वो ह्यूमन काइंडनेस ना वो भूल चुका है, वो हमेशा अपने मतलब की बातें कर रहा है, तो ध्यान रखो इस चीज का। तो ये था इस चीज का आंसर, इस ऑब्जेक्शन का आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो। फिफ्थ ऑब्जेक्शन आपको आता होगा कि भाई अब मेरा मूड चेंज हो गया है, किसी ने मान लो पेमेंट कर दी आपको, आधी पेमेंट कर दी, थोड़ी पेमेंट कर दी, उसके बाद वो बोलता है अचानक से अगले दिन कि मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे काम नहीं करना। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? आप सोचते हो यार अचानक से पता नहीं उसको क्या हो गया, वो तो अभी ठीक था लेकिन अचानक से उसका मूड बदल गया। अगेन लड़की वाला एग्जांपल, एक लड़की जो आपके साथ बहुत अच्छे से रह रही थी, आपकी गर्लफ्रेंड, अचानक से बोलती है कि मुझे आपके साथ रिलेशन में नहीं रखना, आवरा का डाबरा, उसकी लाइफ में कोई और लड़का आ चुका है, इस वजह से आपकी वैल्यू कम हो चुकी है। सिमिलरली जब कोई आपको पेमेंट करता है और वो अचानक से मूड चेंज कर लेता है, तो 100% ये होता है कि उसने जाके किसी पर्सन से सलाह ले ली है, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, मम्मी से, पापा से, और उसने उसको नेगेटिव कर दिया। तो ये हमेशा ना कभी भी पैसे लेते वक्त उसको प्री इम्यून कर देना कि भाई सलाह मत लेना। विराट कोहली से क्रिकेट सीखो, लता मंगेशकर से सिंगिंग सीखो, फुटबॉल सीखना रोनाल्डो से सीखो, एक्टिंग सीखने शाहरुख खान से सीखो, अपने चाचा मम्मी पापा से मत सीखो, क्योंकि भाई वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। ऑडी लेनी है तो ऑडी वाले से सीखो, ठीक है? इससे मत सीखो जो साइकिल चलाता है। तो इसका सिंपल सा ऑब्जेक्शन है, और आपको करना क्या है, पॉजिटिव करना है कि भाई क्या हो गया, नहीं नहीं भाई मुझे करना ही नहीं है, भाई नहीं मेरी पढ़ाई हो गई है, मेरी मम्मी को हो गया, किसी की दादी को चोट लग जाती है। और पता है ऐसे टाइम पे लोग बहाना मारते हैं कि मेरी दादी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी मौसी का एक्सीडेंट हो गया, सब झूठ है। 99% लोग ना कॉल पे आपको झूठ बोलेंगे, राइट? तो उसका ध्यान रखना आपको कि आपको ऑब्जेक्ट करना है भाई, बी पॉजिटिव ब्रो। अगर आपको किसी ने कुछ बोला है ना तो मुझे बताओ, कोई नहीं, साथ में मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट? दिस इज आंसर। तो गाइस अब जो मैंने अगले 5 ऑब्जेक्शंस रखे हैं, जो मेजर ऑब्जेक्शंस हैं, वो मैं अगली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, पार्ट 2 के अंदर बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पार्ट 2 की वीडियोस आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने पूरे नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क के अंदर इसको फैला दो, और बताओ कि देयर इज अ गाय अमन राजपूत हु इज डूइंग समथिंग, एंड वो आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है, बिकॉज हमने इस इंडस्ट्री का बहुत नाम खराब सुन लिया है। आई थिंक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम इस चीज को बेटर करें, क्योंकि मुझे लगता है सिगरेट पीना और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों में बहुत डिफरेंस है, आई थिंक, है ना? बहुत सारे यूट्यूबर्स ड्रीम इलेवन को प्रमोट करते हैं लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोलते हैं, है ना? सेलिब्रिटीज भी बहुत सारे एप्लीकेशन को, है ना, ये जैकपॉट वाला एप्लीकेशन, ड्रीम इलेवन में पैसा लगा लो, राइट, स्मोकिंग कर लो, रजनीगंधा खा लो, है ना, बहुत सारी चीजें हर एक्टर आजकल यही कर रहा है, एंड देन पीपल ब्लेम नेटवर्क मार्केटिंग पीपल। आई मीन रियली आपको फैक्ट पता होने चाहिए, एंड आई